ये देखें, ये यहाँ पर आ गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सारे आ जाओ, खाओ खाओ खाओ। ये देखें मर गया ये। ये रहा कलर उड़ता हुआ, आप लोगों को दूर से ही दिख रहा होगा, देखो कैसा उड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? अभी मैं केजेस वगैरह देख लेता हूँ। ये हमारे बजीज तो वही वैसे ही बैठे हैं, बिल्कुल सुनसान। इनका मास्टर केस पड़ा हुआ है। अभी मैं जा रहा हूँ एक जगह, अगर काम से जा रहा था, अगर वहाँ से कुछ फीमेल मिल गई तो वहाँ से ले आऊँगा इन लोगों के लिए। तो यहाँ पर छोड़ देंगे हम लाके। और हमारे लड़का भी बैठे हुए हैं, ये बस यहीं आते जाते रहते हैं। यहाँ छोड़ता हूँ मैं, तो यहाँ से निकल के नीचे चले जाता हूँ। देखें सारे, एक वो कलर वाला लड़का बैठा हुआ है, एक ब्लैक वाला, ऐसे चले जाते हैं। या तो मैं सोच रहा हूँ ये भी ऊपर वाले भी नीचे शिफ्ट कर दूँ, ताकि ये लोग सुकून से एक ही जगह साथ रहें। और हमारा बकरा ये आ गया। और अंदर चेक कर लेते हैं, असील मुर्गा मुर्गी ये सब चेक कर लेते हैं। ये वाली जो हमारी देसी मुर्गी है, ये अंडा दे ही नहीं रही। जब मैं लाया था, जब इसने पहला दिया था, और अभी तक तो दिया ही नहीं है। और बड़े वाले मुर्गे ये आ गए, और ये असील मुर्गी ने भी परसों से अंडा नहीं दिया, पता नहीं क्या हो गया। और डक्स हमारी आ गई। तो अभी मुझे पता है, सबसे पहले तो मैं खोलूँगा अपने मुर्गा मुर्गी, तो उन लोगों के लिए दवाई बना दूँ। दवाई से फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो रहा था, अंडे देने लग गई थी मुर्गी, पर अब नहीं दे रही। तो अभी मैंने ये इसमें दवाई बना के डाल देता हूँ। तो दोस्तों दवाई मैंने ये बना ली है, अब मैं इसमें भर देता हूँ इन लोगों के लिए, छोटी वाली में, क्योंकि बड़े वाले में तो ज़ाया करते हैं। ये बहुत है, ये देखें रेड रेड दवाई हो गई। और ये बाजरा है, मैं यहाँ पर इन लोगों के लिए बाजरा भी डाल देता हूँ, ताकि ये सुकून से खा लें। अलग लिए खोलना पड़ता है, आप लोगों को पता है हमारे पेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। तो मैं अभी जल्दी से बाजरा भी डाल देता हूँ, और फिर अपने असील मुर्गा और असील मुर्गी को खोलता हूँ। मैंने यहाँ पर ये देखें इन लोगों का बाजरा भी यहाँ डाल दिए, पानी दवाई यहाँ पर रख दिए। और उससे पहले मुर्गा मुर्गी खोलने से पहले मैं अपने बकरे को भी दाना डाल दूँ, ताकि ये सुकून से खा ले, वरना ये बहुत ज़्यादा शोर कर रहा होता है, चीख रहा होता है। सबसे पहले मैं अपने बकरे को दाना डाल दूँ, फिर इन लोगों को खोल देता हूँ। तुम रुक जाओ, हाँ तुम ऐसे नहीं देखा करो, हाँ रुक जा मैं ला के दे रहा हूँ। मैंने बकरे को भी दाना डाल दिया, अब ये खा रहा है अभी यहाँ पर सुकून से। और मैं आज इसका गेट बंद कर दूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं मुर्गा मुर्गी खोल के यहाँ तो चले जाता हूँ छत पे, तो मुझे लग रहा है इसमें कल कहीं यहाँ अंदर घुस के इधर उधर अंडा दे दिया है, मुझे ये ऐसे ही लग रहा है। पर आज मैं ये करता हूँ, अभी मैं यहाँ इसका गेट बंद कर दूँगा बकरे का, ताकि ये मुर्गी भी अंदर ना जा सके। बस मसला ये है, ये बकरा जो है यहाँ पर गर्दन ना फंसाए, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैंने बंद कर दिया, देखें बस ये जगह है, ये गर्दन फंसा लेता है यहाँ से। तो अब बारी है मुर्गा मुर्गी खोलने की, मैं लोगों को खोल देता हूँ। चलो जाओ जाओ, अब ये दोनों को तो यहाँ पर खाने लग गए, इन लोगों को खाने देते हैं। जब ये बंद हो जाएंगे, मैं इन लोग खिला पिला के जब इन लोगों का पेट भर जाएगा बंद कर दूँगा, तो अपने देसी मुर्गी और बड़े वाले चूजे खोल दूँगा। डक्स तो हमारी शाम में खुलेंगे, और हमारे पिजन भी शाम में खुलेंगे। ये धूप देखें अभी कितनी ज़्यादा धूप है, थोड़े अलग अलग करके खोलना पड़ते हैं, तो शाम ही हो जाती है ऐसे करते करते ना। तो अब ये लोग खा रहे हैं, बस इन लोगों को खाने देते हैं, और अपने बजीज को भी अभी दाना डाल देते हैं। तो दोस्तों अब इन लोगों को मुर्गा और मुर्गी को मैं बंद कर देता हूँ, फिर अपने दूसरे वाले हम लोग देसी मुर्गा और चूजे खोल देंगे अपने बड़े वाले। चलो अब तुम लोग चलो, गेट खोल दूँ मैं इसका, ताकि ये लोग चले जाएं। चलो जाओ 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 अंदर जाओ। जाते बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये लोग, ये देखें मुर्गी फिर चली जाती, मुर्गा नहीं जाता। चलो चलो जाओ, देखो इसके नखरे जाओ बस। चलो तो दोस्तों इन लोगों को मैंने बंद कर दिया मुर्गा मुर्गी को, अब मैं अपनी देसी वाली मुर्गी और चारों ये वाले मुर्गे खोल देता हूँ, ताकि ये सुकून से खा लें। और हमारी डक्स की भी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, कितना बेचारी चीख रही है, भूखी हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी मैं इन लोगों को भी खोल देता हूँ। और बकरे ने तो दाना खा लिया, देखें मुर्गी का हाल। यहाँ पर वैसे ही हमारा इतना कचरा कचरा होता है, और मुर्गा मुर्गी ने ये जो जितनी सफाई करी थी वो सब फैला दी है यहाँ पर। ये चेक करें, ये है भाई इन लोगों का हाल।
बस तो अभी मैं खोल देता हूँ अपना मुर्गा मुर्गी। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सीधा बाहर सीधा बाहर, यहाँ नहीं रुकना। चलो तुम लोग भी आ जाओ, ये चलो 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 चलो। गर्मी देखें, आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और यहाँ पर भी धूप की तकलीफ बहुत ज़्यादा है और हालत बहुत बुरी हो रही है गर्मी से। ये देखें पानी, बेचारे कितने प्यासे थे, मैंने पानी पहले ही रख दिया था साफ़ सुथरा करके, और यहाँ इन लोगों के लिए सब बाजरा पूरे वहाँ से यहाँ तक खिला दिया। बस ये लोग लड़े ना तो सुकून से खा लें पेट भर के, इनका पेट भी भर जाए। ये लोग लड़ते बहुत ज़्यादा हैं, ये थोड़ी देर में देखिएगा मैं दिखाऊँगा आप लोगों को। ये मुर्गी इन लोगों को मार रही होगी। दोस्तों जो हमारा यहाँ पर एक छोटा वाला चूजा हुआ करता था इस केज में इन कबूतरों के साथ, वो बहुत ज़्यादा ये अचानक पता नहीं क्या, या तो हमारे ये कबूतरों ने मारा उसको क्या करा था, बेचारा बहुत ज़्यादा बीमार सा हो गया था, तो मैंने उसको मास्टर केज में अलग बंद कर दिया था। और अभी मेरी नज़र पड़ी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर चल के। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ बंद करा था, इसको बंद कर दिया था मैंने, यूँ कुंडी लगा दी थी यहाँ पर, तो यहाँ से निकल के बेचारा यहाँ आ गया था। और ये देखें मर गया, ये चूंटियाँ चूंटियाँ लगी हुई, इसको मैं शॉपर में उठा लेता हूँ। बेचारा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, पता नहीं हाँ एक्टिव आपके सामने तो कितना भागता था, अकेला खेलता रहता था, उड़ता था, पर अचानक पता नहीं इसको कबूतर ने मारा है, किसने मारा है। यहाँ पर मैंने बंद कर दिया था, तो अब ये अभी मेरी नज़र पड़ी बेचारा मर चुका है। अभी मैं इसको उठा लेता हूँ जल्दी से, मैंने वो तो उठा दिया है चूज़ा यहाँ से, तो उठा दिया। चूटी चूटियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और मैं यहाँ पानी ले आया हूँ अपने बजीज के लिए, वो सारे वहीं बैठे हुए हैं एक साथ। और इनको अभी बाजरा भी यहाँ डाल देता हूँ लाके, इसको चेक करें कितनी मज़े से ये धूप सेक रहे हैं यहाँ बैठ के, यहीं बैठा हुआ है। और बाकी तो हमारे कहाँ चले गए, ये रहा एक, ये रहा मुर्गी तो सुकून से अभी खाने में लगी हुई है, और दो वहाँ पर घूम रहे हैं। तो आज माशाल्लाह से ये है हमारे ये जो मुर्गा मुर्गी हैं, आज लड़ नहीं रहे, वरना तो बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। जैसे ही मैं इनका दाना लाया हूँ, ये देखें यहाँ आके बैठ गए, और वहाँ से यहाँ डंडी पाए जा रहे हैं। मैं जल्दी से इनको रख देता हूँ ताकि ये सुकून से खा लें। आ जाओ आओ, ये देखें ये यहाँ पर आ गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सारे आ जाओ, खाओ खाओ खाओ, आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ सारे आ जाओ। हाँ ये देखें हमारे छः हैं, तीन बोर है, तीन यहाँ पर खा रहे हैं। दोस्तों वो हमारी देसी मुर्गी को देखें, ये कितने मज़े से मिट्टी में खेल रही है, अभी देखिएगा। ये देखें बहुत सुकून मिल रहा है इसको, बहुत ज़्यादा देर से खेल रही है, मैं दूर से देख रहा था इसको बैठा हुआ। जाओ मुर्गी सही जाती है हमारी, ये देखें खुद ही चले जाती है, मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि बाहर ना निकले, वरना ये बाहर भी निकल जाती है अचानक। तो मैंने दाना भी अंदर डाल दिया, ये खाने लगी, चूजे भी आ गए, अभी मैं इन लोगों को बंद कर देता हूँ। चलो भाई आओ, सबसे पहले तुम लोग आओ, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ। हमारे लक्का आ गए दो, ये चारों तो ऊपर से यहाँ से निकल गए, अब इन लोगों की बारी है, सुकून से आना। इन लोगों को आना देखिएगा, जैसे ये जेल से रिहा हो रहे हैं। ये देखें सारे हमारे चीजेंस ये आ गए, पानी भी मैंने साफ़ सुथरा भर दिया, दाना इन लोगों का पड़ा हुआ यहाँ पर, अब ये लोग खाते रहेंगे, इन्हें उड़ना होगा, थोड़ा सा उड़ जाएंगे और फिर आ जाते हैं हमारे छत के, तो पक्के हो गए। और बस सिर्फ और सिर्फ दाने के लिए जो बची हैं हमारी बच बची हैं, इन लोगों को मैं शाम के टाइम खोल दूँगा। दोस्तों जो हमारा अच्छा, सबसे ज़्यादा अच्छा कबूतर उड़ता है, वो जो कलर वाला जो हमने पकड़ा था वो रहा, वो देखें ये वाला जिस पे मेरा ये इशारा है, ये वाला। अभी मैं इसको उड़ा के चेक करता हूँ, और भी दूसरे लोगों के कबूतर बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, ये हमारे पास वापस आता है या उन्हीं में मिल के उसके पास चला जाता है। अभी मैं इसको उड़ाता हूँ, तो मैं ये उठा लेता हूँ। चलो चलो, ये कलर उड़ता हुआ आप लोगों को दूर से ही दिख रहा होगा, देखो कैसा उड़ रहा है माशाल्लाह से। ये हमारी टंकी पर बैठ गया, अभी मैं इसको फिर से उड़ा देता हूँ यहाँ से ताकि थोड़ा सा और घूम ले। ये देखें दोस्तों
ये वाला कबूतर हमारा उड़ रहा था, ये वापस आ गया और वहाँ देखें सुकून से ये लोग नहा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यही एंड, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।